प्रभु ने एक बार और हमको ये मौका दिया कि हम इस तरह से एक साथ एकत्रित होकर परमेश्वर के वचन के सामने बैठकर प्रभु हमसे जो बोलना चाहते हैं वो सुन सके। बार बार या जब भी मैं यहाँ पर खड़े होकर संदेश देता हूँ तो एक बात बार बार याद दिलाता हूँ और वो ये है कि सारी दुनिया में पचासों सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों विषय हैं, लेकिन जब हम इस तरह से एक आत्मिक सभा में एकत्रित होकर परमेश्वर के वचन को खोलकर प्रभु के वचन से बोलते और सुनते हैं तो बोलने के लिए मेरे पास सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जिनको ईसा भी कहा जाता है, यीशु मसीह कुछ लोग बोलते हैं, ईसा कुछ लोग बोलते हैं, ईसा मसीह कुछ लोग बोलते हैं, सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं, अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हैं। मैं बोलते समय यीशु नाम का उपयोग करूंगा क्योंकि जब हिंदी बाइबल का अनुवाद हुआ तो उसमें यीशु शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन उर्दू के कुछ जो अनुवाद हैं उसमें ईसा नाम का प्रयोग हुआ है। हिंदी की कई पाठ्य पुस्तकों में भी ईसा नाम आया है। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसमें किसी भी कोई भी नाम हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम हिंदी बाइबल खोलकर उसमें से अध्ययन कर रहे हैं और चूंकि वहाँ पर यीशु शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसलिए मैं यीशु नाम यूज़ करने जा रहा हूँ। सारी दुनिया में जिन लाखों लोगों के बारे में चर्चा की जा सकती है उनमें से क्यों प्रभु यीशु के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उसके पीछे कई कारण हैं। बाइबल को यदि हम हटा कर रख दें तो अभी मैं और आप इस बात को जानते हैं कि मनुष्य के इतिहास को जिस व्यक्ति के आगमन ने या जिस व्यक्ति के इस दुनिया में पधारने के द्वारा मनुष्य के इतिहास को ही दो भागों में बांट दिया है वो महान व्यक्ति हैं प्रभु यीशु। आज हम किसी भी चीज़ की तारीख को देखते हैं तो उसमें हमेशा ईसवी शब्द का प्रयोग करते हैं। आज क्या है, आज 2 अक्टूबर 2016 ईस्वी है या सन 2016 या 2 अक्टूबर 2016 ईस्वी, और यदि आज से 3000 साल पहले की किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो 3000 साल पहले की उस घटना के बारे में ये बोला जाता है ईस्वी पूर्व 1000 साल पहले वो घटना हुई। इन दोनों बातों का मतलब क्या है, मतलब ये है प्रभु यीशु के इस दुनिया में पधारने से 1000 साल पहले वो घटना हुई और प्रभु के इस दुनिया में पधारने के 2016वें साल मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु के बारे में बोल रहा हूँ। तो प्रभु यीशु वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे संसार के इतिहास को ही दो भागों में बांट दिया है। प्रभु के जीवन काल में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्रभु की महानता को पहचाना, ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्रभु की महानता को नहीं पहचाना। वो लोग प्रभु को सिर्फ एक अच्छे गुरु या अच्छे टीचर के रूप में देखते थे। कुछ और लोग थे जो प्रभु को उनके जो रोज के जीवन को जिन्होंने पास से देखा था वो लोग जानते थे कि प्रभु ना केवल एक अच्छे गुरु हैं लेकिन प्रभु उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई व्यक्ति है, क्योंकि गुरु सिर्फ शिक्षा दे सकता है लेकिन प्रभु यीशु ना केवल शिक्षा देते हैं बल्कि अपने दैनंदिन के जीवन में तमाम तरह के अद्भुत कार्य करते हैं। सबसे
अच्छे दो चार उदाहरण मैं आपको याद दिला दूं। प्रभु जब 30 साल के थे तब एक बार प्रभु उनकी माँ और उनके शिष्यों को एक जगह विवाह के लिए बुलाया था। हर देश और प्रदेश में विवाह के अलग अलग तौर तरीके होते हैं। केरल में यदि आप किसी शादी में जाएंगे, केरल वाले की शादी हो, तो जैसे ही आप हॉल में प्रवेश करेंगे, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या दोनों तरफ कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ नजर आएगा, और लोगों को जरूरत हो या ना जरूरत हो एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक जरूर पी लेते हैं, उसके बाद अंदर जाके बैठते हैं, क्योंकि अगले 1.5-2 घंटे पता नहीं पानी की बूंद मिले या ना मिले। उत्तर भारत में यदि हम किसी शादी के लिए जाते हैं तो इस तरह से कोल्ड ड्रिंक का चलन नहीं है, वहां तो शुद्ध ठंडा जल जो है मिलता है, आप पान कीजिए और जाकर बैठिए। प्रभु यीशु के जमाने में सिस्टम कुछ और था। प्रभु जिस शादी में गए थे या प्रभु जो जहां पैदा हुए थे और जहां प्रभु की सेवा शुश्रूषा थी, वो इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि मध्य पूर्व में प्रभु की पैदाइश थी और प्रभु की सारी सेवा उसी इलाके में हुई थी। वहां कठिन गर्मी पड़ती है, इवन उत्तर भारत की गर्मी मध्य पूर्व की गर्मी के सामने कुछ भी नहीं है। वहां 2-3 प्रकार के फल बहुतायत से होते हैं, जिसमें अंगूर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जिस तरह से अपने यहाँ नींबू की शरबत लोगों को देते हैं, वहां पर अंगूरी रस का बनाया हुआ शरबत लोगों को देते हैं और शुरू से आखिर तक पीने के लिए सिर्फ उसी का उपयोग होता है। प्रभु जब 30 साल के थे तब एक शादी में गए और आधी शादी हुई या शादी का सब कुछ आधा हुआ तब तक जो है शरबत खत्म। समस्या ये है कि अब जो है शरबत कहाँ से आए। तब पहली बार प्रभु ने लोगों के समक्ष इस बात को स्पष्ट किया कि वे सिर्फ एक टीचर मात्र नहीं है, बल्कि उससे ऊपर कोई व्यक्ति है। उन्होंने कई टन पानी को बस टंकी में डालो बोला, कई टंकियों में डाल के भर दिया, लबालब मुंह भर दिया, और भरने के बाद बोले कि प्रभु भर दिया है, तो प्रभु ने कहा कि अब ले जाके लोगों को दो। उस देश में तब तक किसी ने नहीं देखा था इतना उत्तम अंगूरी शरबत प्रभु ने बनाया, पानी को जल को अंगूरी शरबत में बदल दिया। तो इस तरह से प्रभु ने ना केवल शिक्षाएं दी, जो लोग प्रभु को पास से देखते थे वो लोग इस बात को समझते जा रहे थे कि प्रभु एक दिव्य व्यक्ति है, सिर्फ एक शिक्षक नहीं है। और वे ये भी समझ गए कि दिव्य व्यक्ति कोई ऑर्डिनरी दिव्यता नहीं है, क्योंकि पानी जैसी चीज को सर्वोत्तम अंगूरी शरबत में कोई भी नहीं बदल सकता है, सिर्फ प्रभु ही ऐसा कर सकते हैं जिन्होंने इस पूरे विश्व की सृष्टि की। तो इस तरह से जो प्रभु को देखते थे वो ये समझते जाते थे कि हाँ ये एक दिव्य पुरुष है, और जो प्रभु को और क्लोजली देखते थे वो ये समझ जाते थे कि ये जरूर प्रभु है या परमेश्वर है। प्रभु ने अंधों को आंखें दी, जो मर चुके थे ऐसे लोगों को जीवन दिया। प्रभु के उस समय के काफी सारे लोगों ने प्रभु को ईश्वर जानकर प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण भी कर लिया। लेकिन उस समय समाज में एक बड़ा रिलीजियस धार्मिक समूह था यहूदियों का, जो बहुत कड़ाई से यहूदी धर्म नियमों का पालन करता था। इस समूह का एक टीचर बहुत ही जिज्ञासा के साथ प्रभु की शिक्षा को सुनते, प्रभु के कामों के बारे में दूर से देखते सुनते आ रहा था। फाइनली उससे रहा नहीं गया, वो जाकर प्रभु से डायरेक्टली मुखामुख बात करना चाहता था। लेकिन एक समस्या थी, ये लोग अपने आप को सामान्य जनता, सामान्य यहूदियों से बहुत ऊपर समझते थे, और इस कारण दूसरों के सामने वो जाकर प्रभु से मिल नहीं सकता था। इसलिए उसने एक हल निकाला,
प्रभु तो दिव्य शिक्षक है, दिन रात दूसरों से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं, रात को आया। यह घटना हम नए नियम में यूहन्ना नामक पुस्तक के तीसरे अध्याय में देखते हैं। यदि आपके पास बाइबल है तो पेज नए नियम में पेज 132 132 नए नियम में पेज 132 को खोल लें तो वहाँ। और यदि नहीं है तो कोई फिक्र ना करें, मैं आपके सामने वैसे भी पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। वहाँ हम देखते हैं फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। एक के बाद एक नाम आ रहे हैं और इसलिए हो सकता है आपको लगे फरीसी कौन है, ये निकोदेमस ये भी कोई नाम है क्या। देखिए हर एक देश के अपने तरीके तौर तरीके और नाम वगैरह होते हैं, तो उस आदमी का नाम निकोदेमस था। ये यहूदियों के बीच में इस तरह के नाम प्रचलित थे। और भैया ये फरीसी क्या होता है, यहूदियों के बीच में बहुत ही कड़ाई से यहूदियों की शिक्षा का पालन करने वाले लोग थे, उनका नाम था फरीसी, उस ग्रुप को फरीसी कहा जाता था। वहाँ के बड़े पहुँचे हुए धर्मगुरु लोग थे, ठीक है। तो यहूदियों के धर्मगुरुओं में से निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति रात को प्रभु के पास आया। देखिए दूसरे पद में हम देखते हैं उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। रात को इसलिए आया कि प्रभु ने जब अपनी शिक्षाएं देनी शुरू की तो प्रभु तो परमेश्वर का दिव्य संदेश सुनाते थे। उस समय के जो धार्मिक अगुए थे इन संदेशों से उनको बड़ी एलर्जी थी, उनको नहीं पसंद था या उनको नहीं पसंद थी ये सारी बातें, तो इसलिए कोई देखे भी नहीं। लेकिन मैं प्रभु से आमने सामने बात कर सकूं इसलिए वो रात को प्रभु से मिलने के लिए आया। यहां मैं एक बात उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने ऑलरेडी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, ये आपके जीवन में बहुत ही धन्य बात है कि जिस क्षण प्रभु यीशु का शुभ संदेश आपको सुनाया गया उसी क्षण आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद समाज के डर के मारे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी वैसा ही कर रहे हैं कि दूसरों के सामने मैं स्पष्टतया नहीं बोलूंगा, नहीं दिखाऊंगा और नहीं स्वीकार करूंगा कि मैं प्रभु यीशु की शिक्षाओं से प्रभावित हूं या मैं प्रभु यीशु का शिष्य हूं या मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है। तो ये मेरा प्रश्न उन लोगों से है जिन्होंने प्रभु को ऑलरेडी मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है। प्रश्न एक बार और मैं पूछना चाहता हूँ और प्रश्न ये है कि ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरे मुक्तिदाता है, ये खुलेआम सबके सामने सारे समाज में अंगीकार या स्वीकार करने के लिए आप तैयार हैं क्या, मैं तैयार हैं क्या, होना चाहिए, होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, मतलब हे गुरु, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आए हैं क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो आप दिखाते हैं वो तब तक नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर के उसके साथ ना हो। प्रभु ने इमीडिएटली उसको जवाब दिया, वो जवाब है जो मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हिंदी में अपन इस तरह से नहीं बोलते हैं, हिंदी में अपन बोलते हैं देखो मैं तुमसे सचमुच बोलता हूं। यहूदी लोग सच को दो बार रिपीट करते थे, तो प्रभु के कहने का मतलब देखो मैं तुमसे सचमुच बोलता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। मान लीजिए आप किसी एक व्यक्ति के पास जाते हैं, आपके जीवन में कोई शांति नहीं है और कोई आपको बताता है कि देखिए वो फलाने जो शास्त्री फिलिप हैं उनके पास चले जाइए, वो आपको सब कुछ समझा देंगे। और आप मुझसे मिलने के लिए आते हैं और मैं यदि आपसे पूछता हूँ कि भैया तुम्हारी उम्र कितनी है, 25 या 30 साल, अच्छा 30 साल पहले तुम पैदा हुए थे,
अच्छा एक बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि दोबारा तुमको पैदा होना पड़ेगा। यदि मैं इसमें और यदि तुम दोबारा पैदा नहीं होगे तो भैया तुमको तो जिस तरह से आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, तो तुमको तो जाना पड़ेगा। यदि मैं इस तरह से आपसे बोलूँगा तो आप इमीडिएटली कहेंगे कि फिलिप सर ये बात तो मैं समझ रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं उसमें ये बात तो मैं समझ रहा हूँ कि आज से 30 साल पहले मैं पैदा हुआ था, लेकिन आप ये कैसी बात करते हैं कि मुझे दोबारा पैदा होना है? कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? आप फिर मुझसे एकदम से मुझसे पूछेंगे कि अच्छा फिलिप सर आप दोबारा पैदा हुए क्या? और यदि मैं एकदम से बोल दूं कि हाँ भैया मैं दोबारा पैदा हुआ, तो आपको एकदम ताज्जुब होगा, आपको लगेगा कि फिलिप सर क्या बोल रहे हैं। एकदम से आप पूछेंगे कि आप जो कह रहे हैं ये बात समझ में नहीं आती है, क्या आपके कहने का मतलब है कि जब आप 5 साल के थे या 6 साल के थे तब आप फिर से शिशु बन गए और फिर से आपने जन्म लिया? प्रश्न स्वाभाविक, इसमें प्रश्न इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखिए चौथा पद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। निकोदेमस ने उससे कहा मैंने जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। एक्चुअली प्रश्न तो ये होना चाहिए मनुष्य चाहे बूढ़ा हो या जवान हो या शिशु हो, जब एक बार पैदा हो गया तो दोबारा कैसे जन्म ले सकता है। निकोदेमस लेकिन अपने स्वयं के बारे में बोलता था कि हे प्रभु मैं यहूदियों का शिक्षक हूँ, पहुंचा हुआ धर्म पंडित हूँ, उम्र भी बहुत हो गई है, और आप जो ये कह रहे हैं कि दोबारा जन्म लेना जरूरी है, तो प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? सच है, यदि मैं आपसे यही बात बोलूं कि देखो एक बार तो तुम्हारी पैदाइश इस दुनिया में हो गई लेकिन दोबारा पैदा नहीं होगे या दूसरा जन्म नहीं लोगे तो तुम प्रभु के पास नहीं जा सकते, तो आपके मन में भी यही प्रश्न आएगा कि आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होते हुए मैंने कभी देखा नहीं है, ऐसा होते हुए मैंने कभी सुना नहीं है। और जब आप मुझसे पूछेंगे कि आपके जीवन में ऐसा हुआ है क्या, और यदि मैं बोलूं कि ऐसा हुआ है तो आपको एकदम से यकीन नहीं होगा, आप कहेंगे कि ये सब तो नॉर्मल लगते हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं। प्रभु ने आगे के जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें इस प्रश्न का जवाब दिया है, जो उसको बिना पढ़े हुए मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। बिना पढ़े हुए इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो पोर्शन मैंने आपके सामने पढ़े हैं वो और उसके आगे के जो हिस्से हैं आप घर जाकर पढ़ें। आप में से कई लोग बाइबल लेकर बैठे हुए हैं और आप में से कई के पास बाइबल है अपनी अपनी भाषा में, तो जरा पढ़कर देखिए कि मैं आपको जो बातें सुना रहा हूँ ये सही है क्या, ये वाकई में परमेश्वर के वचन बाइबल में ये बातें लिखी हुई है, और यदि लिखी है तो फिर इन बातों के प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या है, ये बात आपको भी सोचनी चाहिए। और इसलिए मैं कंप्लीट पढ़ के नहीं सुना रहा है, जरूरी पोर्शन पढ़ के सुना रहा हूँ, और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप घर जाने के बाद इन बातों को पढ़ें। तो जैसा स्वाभाविक था जब इतने बड़े गुरु ने रात को आकर प्रभु से पूछा कि प्रभु क्या सच है क्या गलत है इत्यादि, तो प्रभु ने कहा देखो मनुष्य हर मनुष्य प्रभु के पास जाना चाहता है, ये तो हर व्यक्ति जानता है कि जो इस दुनिया में आया है उसको जाना पड़ेगा। वही है जो श्लोक बार बार अपने हर संदेश में मैं आपको बार बार सुनाता हूं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। राजा जो रूल करता है, रंग जो कंगाल है, फकीर जिसने सब कुछ त्याग दिया है, हर एक को जाना पड़ेगा। बाइबल में भी इब्रानियों नामक जो 66 पुस्तकों में इब्रानी नामक जो पुस्तक है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय प्रभु की तरफ से नियुक्त है। हम
जितने लोग यहां बैठे हैं और इस हॉल के बाहर जो करोड़ों या 6 अरब लोग जो आज इस दुनिया में हैं, उन सब के लिए ये नियम लागू होता है, मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय। उस न्याय के बारे में प्रभु का वचन कई बार बोलता है, लेकिन प्रभु के वचन के बिना भी हम सब जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है उसको जाना पड़ेगा, और जब वो जाएगा तब कहाँ जाएगा वो इस पर डिपेंड करता है कि हम प्रभु के साथ हैं या प्रभु से दूर हैं। इसीलिए दुनिया में हर व्यक्ति के मन में प्रश्न आता है कि प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु की निकटता के लिए मैं क्या करूं। उसका जवाब प्रभु ने दिया था कि एक नव जीवन पाना जरूरी है, और जब नव जीवन के बारे में बोला तब निकोदेमस ने पूछा कि प्रभु आपके कहने का क्या मतलब है, जिस तरह से मैंने एक बार शिशु के रूप में जन्म लिया उसी तरह से दोबारा शिशु के रूप में मैं जन्म लूं क्या, और यदि आपके कहने का मतलब यह है तो यह तो असंभव बात है प्रभु। यही है जो मैं भी आज यहां पर जो भाई लोग और बहने एकत्र थे उन सबको बताना चाहता हूं कि जब भी बाइबल से हम नव जीवन की बात करते हैं तो उस नव जीवन से हमारा तात्पर्य, हमारा मतलब ये नहीं है कि मनुष्य एक शिशु के रूप में जन्म ले, बल्कि हमारे कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति इस बात को पहचान गया है कि मुझे प्रभु की निकटता में जाना है, उस व्यक्ति को जिस तरह से उसने शारीरिक जन्म लिया है उसी तरह से एक आत्मिक जन्म भी लेना जरूरी है। यह है जो प्रभु ने अगले स्टेटमेंट्स में उस व्यक्ति को, निकोदेमस को स्पष्ट किया। काफी लंबी चर्चा हुई उन लोगों की। उस चर्चा का असर हुआ क्या? निश्चित रूप से उस चर्चा का असर हुआ। इतना बड़ा जो धर्म पंडित था उसने इस बात को पहचाना कि प्रभु यीशु मुक्तिदाता हैं और प्रभु जो बात कह रहे हैं वो बात सच है, और इस कारण जब प्रभु को धोखे से पकड़कर सूली पर चढ़ाया गया तब प्रभु यीशु को दफनाने के लिए जो लोग रात को, यहूदियों से सब लोग डर रहे थे, उस समय रात को आकर प्रभु के शव शरीर को उस समय जो हाकिम जो रूलर लोग थे उनसे मांग कर दफनाने के लिए जो लोग आए थे उनमें से एक निकोदेमस था। ये पंडित था। वो क्यों रात को आया? जैसा मैंने बोला, लोगों के सामने मेरा नया जन्म हुआ है या नव जीवन प्राप्त हुआ है ये बताना मुश्किल था, लेकिन जो है वो अपने आप को बताने से रोक भी नहीं सकता था। तो प्रभु से आके जो मुलाकात की, इस घटना के लगभग 3.5 साल बाद रात को आकर उसने ना केवल, एक बहुत ही धनी आदमी था यूसुफ नाम का, उसके साथ मिलकर ना केवल ले जाकर प्रभु यीशु को दफनाया, बल्कि यहूदियों का जो तरीका था उस तरीके के अनुसार दफनाया। वो तरीका क्या था कि मृत शरीर के ऊपर काफी सारी दवाओं का लेपन करते थे, और बाइबल में लिखा हुआ है कि निकोदेमस नाम का ये व्यक्ति लगभग 25 किलोग्राम जड़ी बूटी लेकर आया था जिसको मृत शरीर के ऊपर लेप किया जा सके। तो प्रभु ने जो बातें कही उन बातों को उसने ना केवल ध्यान से सुना बल्कि उसको स्वीकार किया और प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, जिसको इस घटना के 3.5 साल के बाद उसने प्रकट किया। इसके अलावा भी बाइबल में इस व्यक्ति की चर्चा अलग अलग जगह पर आती है। जब प्रभु यीशु के बारे में चर्चा होती है और लोग प्रभु यीशु को धोखा देना चाहते थे तो बीच में उनको टोक देता है। आज जिन लोगों ने अपने जीवन में इस नव जीवन का अनुभव नहीं किया है, ऐसे लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में आए हैं, जाना पड़ेगा। आप इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य जब जाएगा तो वो या तो प्रभु की उपस्थिति में जाएगा
या प्रभु से दूर अनंत शाप की तरफ जाएगा। मेरा सवाल, मेरा प्रश्न आप में से हर व्यक्ति से यह है, यदि आज तक आपने उस नव जीवन को नहीं पाया है तो आज आपके सामने यह अवसर है। जब निकुदेमस को अवसर मिला, उसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। आज आपके सामने यह अवसर है, प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कीजिए। इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा कार्य करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठकर प्रभु से बोलिए, हे प्रभु, मैं इस बात को समझ गया हूँ कि मैं पापी हूँ, मुझे ये दुनिया छोड़कर एक न एक दिन जब मुझे जाना ही पड़ेगा, और जब मैं जाऊँगा तो मैं आपकी उपस्थिति में जाना चाहता हूँ, और मैं इस बात को पहचान गया हूँ कि मेरे पापों से मुझे मुक्ति दिलाने के लिए आपने सूली पर अपना जीवन दिया। आज मैं आपने मेरे लिए जो बलिदान किया, उस बलिदान को भी स्वीकार करता हूँ, प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ। अपनी जगह बैठकर यदि मन ही मन यदि आप प्रभु से ये बात बोल देंगे तो प्रभु आपको वो नया जीवन प्रदान करेंगे, और एक बार आपको वो नया जीवन प्रदान हो जाएगा तो आप, कोई भी व्यक्ति आपसे यदि पूछे कि दोस्त, इस संसार को जब छोड़कर तुम चले जाओगे तो कहाँ जाओगे, इसके बारे में तुमको कुछ मालूम है क्या, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकेंगे कि हाँ, आज से कुछ समय पहले मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे मन में बड़ी व्याकुलता थी, लेकिन फलाने दिन जब मैंने प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया तो उस दिन से मेरे मन में एक नई खुशी, एक नई शांति और एक नया आत्मविश्वास आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि अब यदि मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा तो मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा, और इसलिए अब मुझे ना तो मृत्यु से डर है, ना ही मृत्यु के बाद जो न्याय होगा उससे डर है, क्योंकि वो जब न्याय होगा तब बोला जाएगा फलाना व्यक्ति, मेरा नाम बोला जाएगा, आप स्वयं बोल सकेंगे कि मेरा नाम लिया जाएगा, और ये घोषणा की जाएगी, प्रभु स्वयं ये घोषणा करेंगे कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, इसने मुझे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके नव जीवन पाया है। जिस समय इसने मुझे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था उस समय मैंने इसको नव जीवन प्रदान किया है, इसलिए मेरा ये बालक, मेरी ये बालिका, मेरा ये पुत्र, मेरी ये पुत्री शाश्वत काल तक मेरे साथ रहेगा या मेरे साथ रहेगी, इस बात का यकीन आज ही कर लीजिए। मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ, ये बातें यदि आपको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है, कोई बात नहीं है, कोई भी नई बात जब हम सुनते हैं तो कभी कभी समझने के लिए कुछ समय लगता है। ये बातें आप लोगों को स्पष्टतया समझाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम में से कई हैं, भाई जेफरी जो कि आपके कॉन्टैक्ट हैं, मैं, ब्रदर आई क्रिस्टी जो यहाँ पर लीड कर रहे थे, इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए, वो इन बातों को समझा देंगे। पीछे कई भाई लोग बैठे हैं, सिर्फ एक भाषा की समस्या है, नहीं तो ये भाई लोग जो है पूर्ण डिवोशन के साथ ये बातें आप लोगों को समझाते, क्योंकि पीछे जो भाई लोग बैठे हुए हैं ये लोग बहुत टाइम प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को बताने के लिए बहुत टाइम देते हैं। सिर्फ एक जरा सी भाषा की समस्या है, तो इसलिए भाषा की समस्या के कारण ये जो सामने बैठे हुए भाई लोग हैं इनसे बात कीजिए, ये आपको हिंदी में अच्छी तरह से समझा देंगे। जिन लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है, उन लोगों से मैंने शुरू में एक प्रश्न पूछा था कि आपने ग्रहण कर लिया है, कहीं रात को छुपके जिस तरह से वो धर्म पंडित प्रभु से मिलने के लिए आया था, क्या आप अपने विश्वास को छुपाए हुए हैं? ऐसा ना करें, दूसरों के सामने उसको प्रकट करें। मैं इसके आगे एक और पद पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। 20वें पद में हम देखते हैं, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। यहाँ पर ज्योति
प्रभु यीशु अपने स्वयं के बारे में यूज कर रहे हैं। प्रभु ने स्वयं कई बार कहा था, मैं जगत की ज्योति हूं, और ये स्टेटमेंट दुनिया के हर व्यक्ति के बारे में है कि जो भी व्यक्ति बुराई करता है, मतलब चाहे आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया हो या ना किया हो, यदि आप उसी बुराई में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमेशा ज्योति से आपको बैर रहेगा। आप लोग जानते हैं, बार बार ये बात कही जाती है कि जो ठंडा सीलन भरा अंधेरा कमरा होता है, ऐसे कमरों में कपड़ों के ऊपर फफूंद लग जाती है, उसमें स्मेल आने लगता है। ऐसे घरों में जो लोग रहते हैं उनको तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि भैया तुम्हारे घर में कमरों में जितनी खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां काहे के लिए, इसको क्यों बंद रखते हो, सबको खोलो, हवा का प्रवाह आने दो, सूरज की रोशनी अंदर आने दो। जब सूरज की रोशनी अंदर आती है तो वो कमरे के अंदर जो सीलन है उसको समाप्त कर देता है, जो फफूंदी है उसको समाप्त कर देता है। ऐसा ही आत्मिक जीवन में है, आप जब मैं और आप प्रभु की निकटता में जाते हैं, मतलब ज्योति के पास जाते हैं, तो मेरे और आपके जीवन में यदि कोई गलत बात है, यदि कोई बुराई है, तो वो प्रकट हो जाती है। तो प्रभु ने निकोदेमस को सारी बातें बताने के बाद ये बात क्यों बताई? ये बात इसलिए बताई कि चाहे नव जीवन पाने के पहले हो या नव जीवन पाने के बाद हो, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके आधार पर हमें अपने आप को जांचना चाहिए। किस पॉइंट के आधार पर? और वो पॉइंट ये है कि मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाना पसंद है या नहीं पसंद है। क्यों? इसलिए कि जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, वो यदि इस महान मुक्तिदाता के पास नहीं जाना चाहता है, तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में ऐसे घोर भयानक पाप है जिनको वो छोड़ने नहीं चाहता। और वो ये जानता है कि यदि मैं प्रभु के पास चला जाऊंगा तो मुझे नव जीवन प्रदान हो जाएगा, और जब नव जीवन प्रदान हो जाएगा तो मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज मेरा संदेश जो लोग सुन रहे हैं, इन बहनों भाइयों में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रभु यीशु के पास जाकर, हे प्रभु मैं आज आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, यह कह के प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है, लेकिन इसके बाद हमारा जो दैनंदिन जीवन है, उस दैनंदिन जीवन में प्रभु के पास नहीं जाना चाहते। बाइबल है लेकिन उसको हाथ नहीं लगाते। प्रार्थना करना है ये हम जानते हैं, प्रार्थना नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ हमें संगति करनी चाहिए जिन्होंने इस नव जीवन को पा लिया, संगति नहीं करते। इस तरह की आज जिस तरह की संगति में हम एक साथ एकत्रित हुए हैं, इस तरह की संगति में जाकर दूसरे भाइयों और बहनों के साथ संगति करने और ऐसी भाषा में गाने गाने का अवसर मिल जाता है जिसको हम जानते हैं। यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इस देश और प्रदेश की भाषा ना तो जानते हैं ना बोलते हैं। उस तरह के देश और प्रदेश में जब अपन नौकरी करते हैं, तब यदि एक ऐसी संगति में जाने का मौका मिलता है जहाँ पर वो भाषा, उस भाषा में गाने गाए जाते हैं जो हम समझते हैं, उस भाषा में परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है जो हम समझ सकते हैं, और सब लोग बहुत ही प्यार के साथ मिलते हैं, इसके बावजूद यदि हम वहां जाना नहीं चाहते या हमारे जाने की इच्छा नहीं है, तो हमें एक क्षण मुड़कर अपने जीवन को जरा जांचना चाहिए कि मैं क्यों प्रभु की तरफ से दी गई इन बातों के निकट क्यों नहीं जाना चाहता। हर व्यक्ति जीवन में अच्छी चीज चाहता है, हर व्यक्ति अच्छी चीज पाना चाहता है, हर व्यक्ति आनंद पाना चाहता है, हर व्यक्ति संगति पाना चाहता है। तो प्रभु के बच्चे होने के बावजूद, नव जीवन पाने के बावजूद, यदि नव जीवन पाए हुए लोगों के समूह में जाने में हमको हिचक होती है, यदि हमको बड़ी थकावट महसूस होती है,
या एक संडे अरे आज तो नहीं जाएंगे ऐसा सोचते हैं, क्या कारण है? कई कारण हो सकते हैं, एक कारण यह हो सकता है कि वाकई में आपकी तबीयत खराब हो। लेकिन जरा एक बात बताइए कि स्टेडियम में क्रिकेट का मैच हो रहा हो, तब यदि आपकी तबीयत खराब हो तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? अरे जरूरी हुआ तो मफलर बांध के, कंबल ओढ़ के जो है, और छाता अपने ऊपर पकड़ के लोग जाके वहां देखेंगे जिससे कि क्रिकेट का मैच देख सके, वो भी फेस टू फेस देखने का मौका मिल रहा है तो जरूर जाएंगे। तो इस बात को हम समझ लें कि तबीयत यदि खराब हो तो अभी जो कार्य हमको पसंद है उसमें हम तबीयत आदि का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, बोरिया बिस्तरा बांध के वहां जाके बैठ जाते हैं। आत्मिक बातों में जाने के लिए यदि हम ढील ढाल देते हैं, हो सकता है तबीयत खराब हो, लेकिन यह ना भूलें कि जो चीज हम करना चाहते हैं वहां तबीयत को हम जो है अलग कर देते हैं और जरूर चले जाते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि मेरे आपके जीवन में ही ऐसा कोई कारण हो जिससे डर के मारे हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाना चाहते। लेकिन यह तो गलत बात है, प्रभु यहां पर हमको न्योता देते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आओ, मैं तुमको न केवल नया जीवन दूंगा बल्कि प्रतिदिन तुम्हारा जो जीवन है उसमें मैं एक नवीकरण दूंगा, तुमको नया बना, तुम्हारे अंदर जो गलतियां हैं, तुम्हारे अंदर जो पाप आया है, तुम्हारे अंदर जो कुछ आया है उसको मैं शुद्ध करूंगा और तुमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परिपक्व विश्वासी बनाऊंगा। तो आज मेरी वाणी जो लोग सुन रहे हैं, दो प्रकार के लोग हैं, एक जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया अभी तक, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस बात को समझ लें कि आपको नए जीवन देने के लिए प्रभु इस दुनिया में पधारे थे, उसको जरूर ग्रहण करके यहाँ से जाएं। दो ऐसे कई भाई बहन हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है लेकिन प्रभु के पास जाने में हिचक है, बाइबल पढ़ने से हिचकते हैं, प्रार्थना करने से हिचकते हैं, विश्वासियों के साथ संगति के लिए जाने में हिचकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन का पाप आपको प्रभु से दूर रोके हुए है, दूर रखे हुए? प्रभु ने यहां कहा कि लोग ज्योति के पास जाना इसलिए पसंद नहीं करते या ज्योति को इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि ज्योति उनके जीवन में जो पाप है उसको प्रकट कर देती है। प्रभु के पास जब हम जाएंगे तो सब कुछ प्रकट हो जाएगा। मैं और आप अपने आप को जांचें, ये दोनों जो घटनाएं हैं इनमें से किसी एक स्टेज में है क्या है, तो अपने आप को पहचान कर उस महान करुणामय प्रभु के पास आज ही आ जाए। मुक्ति नहीं मिली है, करुणामय प्रभु के पास जाकर वो मुक्ति को पाले। मुक्ति को पाने के बाद मेरे आपके जीवन में यदि ऐसी कोई बात आ गई है जिसके बारे में हमको लज्जा आती है, जिसके बारे में हमको शर्म आती है, डर लगता है, डरने की कोई जरूरत नहीं, करुणामय प्रभु के पास जाए, प्रभु आपको निश्चित रूप से क्षमा प्रदान करेंगे। ना केवल क्षमा प्रदान करेंगे बल्कि प्रभु आपको अनुग्रह देंगे कि आपने अपनी गलती मान ली और अपने जीवन में शुद्ध हो गए और प्रभु आगे के दिनों में आपको और अधिक अनुग्रह देंगे। आज इस तरह से एकत्रित होकर इन बातों को कहने सुनने गाने संगति प्रार्थना के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। प्रभु ने मदद की तो हर संडे हम इस तरह से एकत्रित होंगे। मेरे एक अनुरोध है, अच्छी चीज कोई भी व्यक्ति अपने पास छुपा के नहीं रखता है, अच्छी चीज जो है हर कोई दूसरों को बताता है। यदि आपका आपको जैसे कोई नई गाड़ी मिल गई, नई गाड़ी खरीद ली है, तो हम गाड़ी को जो है पूरी तरह से कवर करके नहीं रखते बल्कि दूसरों को बताते हैं कि मैंने नई गाड़ी जो है ली है। उसी तरह से ये जो संगति मिली है इस संगति के बारे में अपने दोस्तों को मित्रों को बताइए और उनको प्रोत्साहित कीजिए कि ये लोग भी आए। हमको जो भलाई मिली है वो भलाई सिर्फ अपने पास तक रखने के बदले दूसरों के साथ बांटें, दूसरों को भी शेयर करें। प्रभु आप सबको बहुत अधिक अनुग्रह दे। जय मसीह।